हेलो गाइस, गुड इवनिंग। चलिए ह्यूमन फिजियोलॉजी में सर्कुलेशंस की बात करते हैं और सर्कुलेशंस के कंडीशन में आपसे बात करेंगे क्या, ब्लड वेसल्स, ब्लड प्रेशर कर चुके हैं, हार्ट बीट, कार्डियक साइकिल, मतलब कि बहुत सारा ब्लड व्लड को सारे के सारे चीज़ों को पोस्टमार्टम कर चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लड वेसल्स की बात करेंगे। ब्लड वेसल्स में तीन टाइप के ब्लड वेसल्स की बात करते हैं, आर्टरी, वेन और कैपिलरी, ठीक है ना। तीनों की क्या डायमीटर होती है, क्या काम होता है, थोड़ा थोड़ा सा अपन बात करेंगे। रियली में थोड़े वेन और आर्टरी में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि उसमें डिफरेंस क्या होते हैं, उस डिफरेंस को भी अभी करने वाले हैं, ठीक है ना। कैपिलरी का काम क्या होता है, वेरिकोस वेन क्या होता है, वासा वेसोरम क्या होता है, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो टर्मिनोलॉजी है, जो यूजेज है, जो एप्लीकेशंस है, जो अप्लाइड चीज़ें हैं, उसकी मैं बात करने वाला हूँ। लोकेशंस, डिस्ट्रीब्यूशंस, सारे के सारे चीज़ें वेन और आर्टरी की बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलिए थोड़ा सा बात करते हैं क्या, ब्लड वेसल्स की। तो स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स इज नॉन एज क्या, एंजियोलॉजी। ब्लड वेसल्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, एंजियोलॉजी। ये बातें समझ में आ रही है। चलिए, स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स, बीबी लिखूंगा, इज नॉन एज एंजियोलॉजी। फादर ऑफ एंजियोलॉजी आप लोग समझते हो, फादर ऑफ एंजियोलॉजी कौन है आपके लिए क्वेश्चन मार्क। अरे भाई, समझ रहे हो ना क्या, फादर ऑफ एंजियोलॉजी। चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पे अपन सबसे बात करेंगे कि ब्लड वेसल्स, थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, वह कौन कौन सा है। थोड़ा थोड़ा सा मैं यहाँ पे अंतर बताते जाऊँगा। एक तो है आर्टरी, वेन और कैपिलरी, ठीक है। यहाँ पे तीनों के तीनों हैं। अपन सबसे पहले तो बात करेंगे कि इसमें अंतर क्या होते हैं, अंतर की बात कर लेंगे थोड़ा सा, आर्टरी और वेन का। तो सबसे पहले तो आप जानते हो कि इस दोनों में मैं अंतर बार बार बताते रहता हूँ आपको। एक ही टर्म है, एक टर्म से मैं पूरे के पूरे आर्टरी और वेन में डिफरेंस समझा देता हूँ, सिर्फ वी से। क्या भैया, वी से क्या होता है, बेकार, मतलब कि वेन क्या करता है, बेकार ब्लड को कैरी करता है। बेकार बोले तो इम्प्योर, इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है। वी बोले तो बड़ा, मतलब बड़ा। इसका लुमेन क्या होता है, लुमेन बड़ा होता है, ठीक है ना। वी बोले तो इसमें वेन में क्या होता है, वेन में वल्व होता है, ठीक है ना। अब तीन तीन चीजें तो समझ में आ रहा है, वेन में क्या होता है, वल्व होता है। इसका जस्ट तीनों पॉइंट को आप उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा, आर्टरी। तो बेसिक डिफरेंस है जो आपको अमूमन याद रखना है। जनरली बेकार ब्लड जो है, बेकार ब्लड मतलब इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है, ये क्या करता है, इसमें वल्व होता है, वेन में वल्व होता है, आर्टरी में वल्व नहीं होता है। बेकार नहीं, ये बढ़िया ब्लड को कैरी करता है, ठीक है ना। और ये इसकी लुमेन क्या होता है, ज़्यादा होता है। देखिए, इसकी लुमेन ज़्यादा है, ये मोटा है, बट इसकी लुमेन क्या होते हैं, कम होते हैं। इसमें देखो कि इसमें भी तीन जो है परत होती है, टूनिका एक्सटर्ना, टूनिका इंटरना, टूनिका मीडिया। यहाँ पे भी तीन है, बट बीच वाला जो है बहुत ही मोटा होता है, टूनिका मीडिया और टूनिका एक्सटर्ना। ये क्या हो गया बेटा, ऊपर वाला जो होता है टूनिका एक्सटर्ना, ये टूनिका मीडिया, टूनिका मीडिया और इंटीमा, टूनिका इंटरना। तो ये हो गया टूनिका इंटरना, टूनिका मीडिया, ठीक है। तो बीच वाला जो है टूनिका मीडिया है, बीच वाला टूनिका मीडिया है, ये वाला जो दिख रहा है ना, टूनिका मीडिया है, ठीक है। और बाहर वाला ये जो है टूनिका एक्सटर्ना और टूनिका एडवेंटिशिया,
टूनिका एडवेंटिशिया जो क्या है, बाहर वाला है, दिख रहा है ना। इसका ल्यूमेन क्या है बेटा, ल्यूमेन क्या है, ये ल्यूमेन ऑफ द ब्लड वेसल्स, ल्यूमेन क्या है, बड़ा है। इसका ल्यूमेन क्या है, ल्यूमेन क्या है, छोटा है। इसका मिडिल वाला, जो मिडिल वाला जो है, मिडिल जो है टूनिका मीडिया क्या है, बहुत ही थिक है, ये बहुत क्या है, थिक है, जिसके वजह से इसकी ल्यूमेन क्या हो गया, नेरो हो गया, नेरो ल्यूमेन हो गया। इतना बात तो समझ में आता है ल्यूमेन क्या है। अब यहाँ पे बात करते हैं कैपिलरी का, तो बेटा एक एक सीन मैं बनाता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा। एक्चुअली है क्या कि जैसे ही अपन बात करें, यहाँ पे थोड़ी सी कैपिलरी की जंक्शन बनेगी, ठीक है, यहाँ पे कैपिलरी की जंक्शन बन रही है, जंक्शन बनी, और ये जंक्शन को ओरिजिनेट करने वाले हैं अपन, ठीक है, ओरिजिनेट करने वाले हैं, ये ल्यूमेन हो गया इसका, ठीक है ना। तो ये आर्टरी है, ये आर्टेरियोल है, ठीक है ना, और ये क्या है बेटा, कैपिलरी है, ये क्या है, कैपिलरी है, ये क्या है, वेन है, ये क्या है, ये जो आ रही है यहाँ पे वेन्यूल है, ये जाएंगे कहाँ पे, वेना कावा में। तो कहीं ना कहीं एक्सचेंज करने का काम ये कैपिलरी करते हैं, ठीक है ना। आपको बुक वुक में आप ऐसे देखोगे कि बहुत ही उलझा हुआ ये पार्ट होते हैं, मतलब इस तरीके से, तो आपको कैपिलरी इस तरीके से देखेगा जो एक्सचेंज करने का काम करता है, पोरस होता है, परफोरेटेड होते हैं, ठीक है ना। कैसा होता है, पोरस और परफोरेटेड होते हैं। चलिए थोड़ी सी डिस्टर्बेंस थी, चलो 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 कैरी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कर दिया कि मैं आपको आर्टरी वेन और कैपिलरी के कंडीशन में, अब एक एक सीन बनाता हूँ जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पे हमने तीन दिखाया, आर्टरी वेन, एक वेरिकोज वेन के बारे में बात करेंगे जो उसकी वॉल्व डिफेक्ट हो जाए, ठीक है ना, वीकेंड वॉल्व लीड टू द वेरिकोज वेन, ठीक है ना। और वासा वेसोरम के कंडीशन में बोला जाता है कि ब्लड वेसल्स भी एक क्या है, ऑर्गन है हमारे बॉडी का बेटा, उसको भी ब्लड चाहिए। तो जो ब्लड वेसल्स के अंदर नेटवर्क ऑफ फाइन थिन थ्रेड लाइक कैपिलरीज ऑफ द ब्लड वेसल्स इज प्रेजेंट इज नॉन एज क्या, वासा वेसोरम, ठीक है ना, ब्लड वेसल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। आ जाइए, तो एक एक का मैंने क्या बात किया, वेरिकोज वेन, वेरिकोज वेन मतलब कि विक्ट, विक वॉल्व लीड्स टू वेरिकोज, वेरिकोज वेन, एक बात तो हो गया। वॉल्व यदि कमजोर हो जाए वेन का तो क्या हो जाएगा, वेरिकोज वेन। दूसरा कंडीशन है वासा वेसोरम, मतलब कि ये क्या है, ब्लड वेसल्स ऑफ द vessels of the vessels, vessels of the vessels का vessels, मतलब कि blood vessels के अंदर भी क्या होता है, a thin network like blood capillary, blood capillary present in the वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, दैट मीन्स कि इंडोथेलियम इज नॉन एज वासा वेसोरम। बहुत इंपॉर्टेंट, ब्लड वेसल्स को भी ब्लड की रिक्वायरमेंट है बेटा, उसको भी चाहिए, तो उसे क्या बोलते हैं, वासा वेसोरम, वेरिकोज वेन, आप समझ में आ गया। तो अब तीनों के कंडीशन में टूनिका, थोड़ा सा हिस्टोलॉजी की बात करेंगे, टूनिका एक्सटर्ना, टूनिका इंटरना, टूनिका मीडिया, ये सब की बात करेंगे। तो जनरली टूनिका एक्सटर्ना जो है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं, टूनिका मीडिया जो है के कंडीशन में आर्टरी में मोटा होता है, जो स्मूथ इनवॉलेंट्री मसल से बने होते हैं, ठीक है ना, इलास्टिक फाइबर वहाँ पे होती है। टूनिका इंटीमा की कंडीशन में बात करते हैं, तो इट्स अ फ्लैट स्क्वामस एस्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज है, जो कंडीशन क्या है कि वो आपका एक सिंगल लेयर है जो परफोरेटेड होते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ी सी बात करेंगे क्या है कि यहाँ पे अपने को एक सिनेरियो बनाते हैं,
ठीक है ना, एक सीन बनाते हैं आपको जो दिखता होगा। देखो बेटा, सबसे पहले जो ऑरिजिन की बात करते हैं, हार्ट से निकलते हैं। हार्ट से जो निकले वो क्या है, आर्टरी। आर्टरी से जो फूटे छोटे छोटे हो जाए, आर्टेरियोल। आर्टेरियोल से निकल के कहाँ जाता, किसी ऑर्गन में जाता है तो क्या हो गया, ब्लड कैपिलरी। अरे समझ में आता क्या, मैं छोटा छोटा लिखूं क्या, दिखेगा ना, नीचे लिखता हूँ, ठीक है ना। यहाँ से देखिए, ये हार्ट है, हार्ट से निकलेगा ऑर्टा, ऑर्टा से आर्टरी, आर्टरी से आर्टेरियोल, यहाँ से ब्लड कैपिलरी, किसी ऑर्गन में कैपिलरी से निकलते हैं वेन्यूल, वेन्यूल से कहाँ, वेन, वेन से, ठीक है ना, वेना कावा, और वेना कावा से रिटर्न हो करके कहाँ पे आ जाते हैं, हार्ट को। तो क्या हो गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसके सरफेस एरिया के बारे में बात करी जाए तो आप क्या बताओगे। इसमें हमने कहा कि ये आपका सीक्वेंस है, ये क्या हो गया, सरफेस एरिया। और यहाँ पे ए बी सी डी ई, ठीक है ना, ई एफ जी एच। तो इसके कंडीशन में आपका सरफेस एरिया यहाँ पे दिख रहा है आपका, कहीं ना कहीं सरफेस एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। यदि अपन बात करते हैं यहाँ पे फ्लो की, प्रेशर की बात करते हैं, प्रेशर फ्लो की बात करते हैं, तो कंडीशन है कुछ अलग हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं दिखना होगा कि सरफेस एरिया किसकी सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब कंडीशन क्या है कि जैसे अपन बात करें तो सबसे पहले आपको देख रहे हो कि यहाँ के कैपिलरी किसी किसी ऑर्गन में है, ये काम क्या करता है बेटा, एक्सचेंज का, मतलब कि न्यूट्रिएंट्स एंड एवरीथिंग इज एक्सचेंज थ्रू द कैपिलरी। और कैपिलरी के कंडीशन में क्या होता है कि ये सिर्फ बने होते हैं, इट इज ओनली मेड अप ऑफ, इट इज ओनली मेड अप ऑफ एस्क्वामस, फ्लैट एस्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, फ्लैट स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, जो कैसा होता है, पोरस होता है। इट लीड्स टू एक्सचेंज ऑफ O2 CO2 न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन, एवरीथिंग इज एक्सचेंज थ्रू द पोरस पार्ट, दैट इज अ कैपिलरी, ठीक है ना, लीकी पार्ट। अब आपसे पूछा जाएगा कि भैया टूनिका एक्सटर्ना टूनिका इंटरना के कंडीशन में हमने बात कर लिया, अब आपसे डिफरेंस पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द आर्टरी एंड वेन। थोड़ा थोड़ा मैंने कर दिया है, लेकिन बहुत ही डीप सीटेड पार्ट है जो करना पड़ेगा, आर्टरी और वेन में क्या है डिफरेंस है, इतना तो करो आप, ठीक है। नेक्स्ट मैं कर देता हूँ। यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।